फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दिनेश कसौटिया, BMS स्टूडेंट फ्रॉम NIIT जयपुर। फ्रेंड्स, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रियोलॉजी को मॉडर्न हिसाब से ऑस्ट्रियोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और मॉडर्न में बोन्स कितनी होती है और उनका डिवीज़न बॉडी में किस तरह से होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अस्थि शरीर ऑस्ट्रियोलॉजी, तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये ऑस्ट्रियोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑस्ट्रियो प्लस लॉजी। अब साइड में आप ये दो वर्ड देख रहे होंगे, ऑस और ऑस्टियोन। तो जो एल लिखा हुआ है इसका मतलब है लैटिन। तो मेन जो ऑस OS वर्ड है वो लैटिन है। धीरे धीरे इसको बोलते 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 इसका एक्सटेंशन हुआ टाइम के साथ और ग्रीक में ये वर्ड बन गया ऑस्टियोन, उससे हमारा वर्ड आया है ऑस्टियो। ऑस्टियो जहाँ भी कहीं वर्ड आ जाए आपको वहाँ लेना है बोन। और लॉजी का मतलब है साइंस या स्टडी। तो साइंस ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, या आप यह भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ बोन, कि बोन की डेफिनेशन क्या होती है। द हार्ड टिश्यू फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, मतलब ऐसा टिश्यू, ऐसा उत्तक हिंदी में बोले तो, और कठिन ऐसा हार्ड टिश्यू, कठिन उत्तक जो बॉडी का फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा है ना, मेन बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी की ढांचा, उसको कहते हैं। अ वाइट हार्ड सब्सटेंस विथ कॉन्स्टिट्यूट्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी, एक सफ़ेद हार्ड सब्सटेंस पदार्थ जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, निर्माण करना किसका, स्केलेटन ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी स्केलेटन पे टिकी हुई है, स्केलेटन से निर्मित है हमारी बॉडी, उस स्केलेटन को बनाने का काम कौन करता है, बोन, जिसको क्या कहा गया है, वाइट हार्ड सब्सटेंस, एक सफ़ेद कठिन पदार्थ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि बोन्स कितनी मानी गई है मॉडर्न में। तो मॉडर्न में टोटल 206 हड्डियां मानी गई हैं, 200 मेन प्लस 6 ऑडिटरी ओसाइकल्स, मिलियस इनकस स्टेप्स, ये आपने सुना होगा, ये ओसाइकल्स होती है, दोनों कान में, एक में तीन तो 3 × 2 6 ऑडिटरी ओसाइकल्स हो गए 206। बात करते हैं अपर लिम्स के बोन के बारे में, 32 × 2 = 64 इंक्लूडिंग विथ शोल्डर, गर्डल, क्लेविकल एंड स्केपुला। अब बात करते हैं कि 64 ये नंबर आया कैसे। तो एक अपर लिम्ब में 32 होती है, तो दोनों अपर लिम्ब में कितनी हो गई, 64। अब एक अपर लिम्ब में 32 कैसे होती है, तो एक क्लेविकल, एक स्केपुला, एक ह्यूमरस, ठीक है, और एक रेडियस, ये हमारी, और एक अल्ना, ये 5 हो गई। फिर हमारे पास कार्पल्स लेनी है 8, तो 8 और 5 = 13। उसके बाद मेटाकार्पल्स हमारे पास 5, 13 और 5 = 18। उसके बाद फेलेंजेस लेनी है 14 14, तो 18 और 14 कितना हो गया हमारे पास, 32। फेलेंजेस 14 कैसे होती है, एक उंगली में हमारे 3 फेलेंजेस होती है, तो 4 उंगलियाँ, 3 × 4 = 12, और 2 हमारे अंगूठे में, तो ये 14 हो गई। तो इस तरह से एक अपर लिम्ब में 32 हो गई और 2 में 64। लोअर लिम्ब में बात करें तो लोअर लिम्ब में है हमारे पास 31 × 2 = 62 इंक्लूडिंग विथ पेल्विक, गर्डल, हिप बोन। अब ये 31 एक में कैसे हो गई, एक में 31, 2 में 62। एक में 31 कैसे, एक हिप बोन, एक फीमर, एक टिबिया, एक फिबुला और एक पटेला, ये टोटल 5 हो गई। 5 के बाद हमारे पास अब टार्सल्स 7, तो 7 और 5 = 12। उसके बाद मेटाटार्सल्स, तो 12 और 5 = 17, ठीक है, और फेलेंजेस 14 14 17 और 14 31, तो 31 एक में, 2 में 62। वर्टिब्री 26 26, वैसे 33 होती है, लेकिन 5 सेक्रल वर्टिब्री फ्यूज हो जाती है और एक सेक्रम बनाती है और 4 कुकिजियल फ्यूज होकर एक कुकिस बनाती है, इस तरह से ये माइनस होके डेटा 26 रह जाता। रिब्स 24 होती है, 12 पेयर्स, तो 12 × 2 = 24। स्टर्नम एक होता है और स्कल में 29 बोन होती है। कैसे होती है, स्कल कैप जो हमारा स्कल बनाती है वो 8 होती है बोन्स, ठीक है।
फेशियल स्केलेटन 14 होती है, ऑडिटरी ओसाइकल्स हमारी 6 होती है और हायर्ड बोन जो होती है वो 1 होती है। स्कल बोन और फेशियल स्केलेटन की जो बोन्स है 14 और 8 22, इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में बताएंगे इनके नंबर के बारे में और इनका नाम क्या क्या होता है। तो हम देख सकते हैं स्कल कैप 8 और 14 फेशियल, ये 22 और 6 ऑडिटरी ओसाइकल्स हमारे पास हो गए 28 और एक हायर्ड बोन 29। तो इस तरह से ये हमारे पूरी बॉडी में 2 से 6 हड्डियाँ डिवाइडेड होती हैं। अब हमने क्लासिफिकेशन की बात करी है, तो 206 हड्डियों में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो 2 भाग से मिलकर बना है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो अपर लिम्स और लोअर लिम्स की बोन्स की हमने बात करी, मतलब 64 और प्लस 62, ये 64 और 62 को आप अगर आप ऐड करेंगे तो ये डेटा आएगा 126 बोन्स। तो ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब्स बराबर 126 126 बोन्स है, वो हमारे आती है अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। और वर्टिब्रे रिब्स स्टर्नम स्कल ये जो सारी हैं, अगर हम बात करें 26 प्लस 24 तो ये हमारे पास हो गया 51 एंड 29। तो 51 एंड 29 अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 80। ठीक है, ये डेटा हमारे पास क्या आएगा, 80 आएगा। तो ये 80 बोन्स जो हैं कौन सी, वर्टिब्री 26, रिब्स 24, स्टर्नम 1 और स्कल 29। अगर आप इन चारों को जोड़ेंगे तो 80 आएगा। ये 80 बोन्स हमारे आती है एक्सियल स्केलेटन के अंदर। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारे आ गई 80 बोन्स और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आ गए 126 बोन। ये दोनों स्केलेटन मिला के कितनी बोन हो गई, 206 बोन। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी कि ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने बात करी बोन की डेफिनेशन क्या होती है मॉडर्न के हिसाब से। और तीसरे पॉइंट में हमने बात करी कि मॉडर्न के हिसाब से बोन्स का नंबर क्या होता है और वो बॉडी में किस तरह से डिवाइड रहती हैं। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक